आपके लिए बोला है, पार्टी बनाने के लिए अकल लगती है, पार्टी तोड़ने फोड़ने में नहीं लगती है। शरद पवार जी को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, पार्टियां तोड़ने के मामले में अगर कोई महागुरु होगा तो शरद पवार जी, उनकी जिंदगी पार्टियां तोड़ने में गई। अरे भाई, शरद पवार जी सबसे पहले मुख्यमंत्री कैसे बने? कोई चुनकर आए थे क्या? हम तो चुनकर आए थे, हमारे साथ तो धोखा हुआ। लेकिन शरद पवार जी तो जिस पार्टी में चुनकर आए थे और जिन्होंने उनको नेता बनाया, ऐसे लोगों को पीछे से एक प्रकार से धोखा देकर और मुख्यमंत्री बन गए। और पवार साहब ने कितनी बार पार्टी तोड़ी? इस देश में सबसे ज़्यादा बार पार्टी तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इज मिस्टर शरद पवार। पार्टियां तोड़ी, परिवार तोड़े, क्या क्या तोड़ा, क्या क्या तोड़ा। और देखिए, ये पार्टियां जो टूटी हमने नहीं तोड़ी, ये उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। अगर उद्धव जी उनकी पार्टी के कद्दावर नेता और आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अकोमोडेट कर लेते और उनको काट कर आदित्य को सामने लाने का प्रयास नहीं करते, उनकी पार्टी टूटती नहीं, पार्टी ऐसे नहीं टूटती। या शरद पवार जी सुप्रिया ताई के लिए 25-30 साल से जो पार्टी चलाते थे, ऐसे अजित पवार के कद को रोज काटना शुरू नहीं करते तो पार्टी उनके लिए टूटती। अरे भाई, गिरेवान में झांक कर देखिए पार्टियां क्यों टूटी।